रामी रेड्डी 80 और 90 के दशक के वो खूंखार विलेन थे जिन्होंने अपने खौफनाक अंदाज से लोगों के दिलों में दहशत फैलाई थी और कालिया के रूप में अपनी खास पहचान बनाकर इन्होंने जितनी दौलत और शोहरत कमाई उतनी आज तक कोई कमा नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों, आप एक्टर रामी रेड्डी की काबिलियत से तो पहले से ही अच्छे से वाकिफ हैं, पर क्या आप इनकी दौलत, शोहरत और मृत्यु के बाद छोड़ी हुई संपत्ति के बारे में जानते हैं कि इन्होंने कितनी संपत्ति कमाई और मरने के बाद वो सारी संपत्ति कहां और किसके हवाले हुई? और इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, पर पहले आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक खतरनाक खलनायक के रूप में लोगों के चहीते बने अभिनेता रामी रेड्डी का जन्म 1 जनवरी 1959 को वायलपाडू आंध्र प्रदेश में हुआ था और वहीं से ही इनकी सारी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की तो यूं तो इन्होंने तेलुगु फिल्मों से पहली बार एक्टिंग करनी शुरू की थी, मगर हिंदी फिल्म जगत में ये साल 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध के साथ नजर आए, जहां इन्होंने पहली बार नेगेटिव गैंगस्टर की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद इन्हें साल 1993 में आई फिल्म वक्त हमारा है में चालबाज कर्नल चिकारा के रोल में खूब पसंद किया गया था। इसी के साथ फिर इन्हें दिलवाले, हकीकत और कालिया सहित 60 से भी ज्यादा हिंदी फिल्में अप्रोच की गई थी और इन सब फिल्मों में इनकी धांसू एक्टिंग दर्शकों द्वारा इतनी पसंद की गई थी कि अपनी नकारात्मक भूमिका से घर घर पहचाने जाने लगे थे। बता दें, इन्होंने 10 तेलुगु फिल्में और 60 हिंदी फिल्मों में काम करके 80 करोड़ की संपत्ति कमा ली थी, जिसकी बदौलत इन्होंने मुंबई में एक आलिशान बंगला तो खरीदा ही था, साथ ही आंध्र प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा फार्म हाउस खरीदा था जिसकी कीमत करोड़ों की बताई जाती है और उन घरों में तरह तरह की नई फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई हैं, जैसा कि मॉडिफाइड किचन, गार्डन एरिया, स्टोर रूम, लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक, और तो और इनके घर की सारी दीवारों को रंग बिरंगे पेंट के साथ डेकोरेट किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब वो जिंदा थे तो ये अपने नॉर्मल पैंट शर्ट से लेकर ब्रांडेड शूज, वॉच, चेन और अंगूठियों पर तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए खर्च किया करते थे। इतना ही नहीं, ये तो मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी हाई फाई लग्जूरियस गाड़ियों के भी मालिक थे। लेकिन अगर बात करें इनके मृत्यु के बाद छोड़ी हुई धन संपत्ति की कहानी के बारे में, तो हम आपको बता दें कि ये लीवर खराब होने वाली गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिस वजह से ये बहुत बीमार रहने लगे थे। हालांकि सालों तक इनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी चल रहा था, लेकिन बिगड़ी हुई हालत में कोई सुधार नहीं आया क्योंकि धीरे धीरे इनका लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था, जिसके चलते ये हड्डियों का ढांचा बन गए थे। और जब वो इस जानलेवा बीमारी से जीत नहीं पाए तो 14 अप्रैल साल 2001 में इनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद इनकी सारी संपत्ति अनाथालय में दान कर दी गई, क्योंकि इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद इनकी सारी जमीन जायदाद गरीब लोगों में बांट दी जाए। तो दोस्तों, क्या आप रामी रेड्डी से जुड़ी ये सभी जानकारी पहले से जानते थे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।